आप समझो कि आज छत्तीसगढ़ कहाँ खड़ा है। सामने दोराहे हैं, या तो आप भाजपा को चुनेंगे या आप कांग्रेस को चुनेंगे। जहाँ पे आप खड़े हैं उसे समझना इसलिए जरूरी है कि कहीं गलती से आप गलत चीज न चुन लें। मैं मध्य प्रदेश गई, ये छोटी बात नहीं है कि वहाँ की जनता दुखी लगती है। दुखी किस लिए है? क्योंकि वहाँ जाके देखिए उनको कितना मिल रहा है धान के लिए। जब मैंने मंच से कहा मध्य प्रदेश में कि जानते हैं छत्तीसगढ़ में 2400 से 2600 का आपको धान के लिए आपको दाम मिल रहा है, तो चौंक गई जनता। मैं देख रही थी लोगों के चेहरे, चुप हो गए। बिजली बिल माफ करने की बात जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये बातें, कितना विकास हुआ है। आज छत्तीसगढ़ देश और दुनिया में पहचाना जाता है। यहाँ आने से पहले आपकी बनाई हुई वो रागी का जो आटा है उसकी रोटी मैं खा के आई हूँ। कहाँ आपने सोचा था कि जो वन के उपज है, 67 वन के उपजों के लिए आपको MSP मिलेगी? क्या आपने सोचा था कि आपकी संस्कृति पूरे देश भर में फैलेगी, कि आपकी पहचान एक अलग पहचान बन जाएगी? क्या आपने सोचा था कि एक ऐसी सरकार आएगी जो आपको केंद्र सरकार की नीतियों से बचा कर रखेगी? कोविड आया, तमाम बेरोजगारी फैली, मुश्किलें आईं, लेकिन आपको फिर भी बघेल जी की सरकार ने बचा के रखा। देश भर में जितनी बेरोजगारी आज है 45 सालों में नहीं हुई है, इतनी बढ़ गई है बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसमें पूरे देश भर से सबसे कम बेरोजगारी है। आज पलायन बहुत होता था, नौकरियां नहीं मिलती थी प्रदेश में, लोग जाते थे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, अन्य प्रदेशों में रोजगार ढूंढने के लिए। आज आपकी परिस्थिति ये है कि आज खेती किसानी छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं। दिल्ली में मैं कुछ उद्योगपतियों से ऐसे ही मैं मिल ली, मुझे कह रहे थे कि सुना है कि रायपुर सबसे अच्छी जगह बन गई है बिजनेस करने के लिए, वहां से यहाँ आ रहे हैं। आपका प्रदेश आज इस जगह खड़ा है जहाँ आपके आत्मसम्मान को बढ़ाया गया है, देश में आपका मान सम्मान सबसे ऊंचा है, सबसे कम बेरोजगारी है, खेती से अच्छी कमाई हो रही है, सरकार से राहत मिल रही है हर चीज के लिए, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बच्चों का इलाज हो। तो आप यहाँ खड़े हैं,